गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग हेलो इंग्लिश रीडर क्लास फर्स्ट का थर्ड चैप्टर देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है जॉन इन लव। सबसे पहले इस चैप्टर के सारांश के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर का सारांश क्या है, इस चैप्टर में जो राइटर है क्या कहना चाहता है। इन दिस चैप्टर वी शैल रीड About a man who exchanges his things to others। यानी इस अध्याय में हम पढ़ेंगे उस आदमी के बारे में जो एक्सचेंज माने बदलता है अपनी चीजें टू अदर माने दूसरों से। एंड रिच द हाउस विथ एम्प्टी हैंड, और रिच्ड मींस पहुँचता है अपने घर खाली हाथ। तो ये आपका सारांश है। कहने का मतलब यह है कि जो अपनी ही चीज़ों को दूसरे से बदलता है, अंत में वो जब अपने घर पहुंचता है तो क्या पहुंच उसके साथ होता है, खाली हाथ होता है। तो यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। जॉन वाज अ चीयरफुल बॉय। जॉन वाज मिस था एक चीयरफुल मिस होता है हसमुख, और बॉय मिस क्या होता है, लड़का। जॉन एक बहुत ही हसमुख लड़का था। ही हैड हैप्पली सर्व हिज मास्टर फॉर 7 ईयर्स। ही हैड यानी उसने, हैप्पली माने खुशी पूर्वक, सर्व हिज मास्टर सेवा की, किसकी, अपने मास्टर की, फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्षों से उसने अपने मालिक की सेवा की। नाउ ही लेफ्ट फॉर होम, अब ही लेफ्ट फॉर होम यानी अपने घर को जाना था। एज अ फेयरवेल गिफ्ट, एक विदाई का जो तोहफा होता है, हिज मास्टर गेव हिम अ लंप ऑफ, उसके जो मालिक थे, जब इस काफ़ी समय तक जब वहाँ पर 7 वर्षों से उसने सेवा की, और 7 वर्षों के बाद जब उसके मालिक के जाने को हुआ, तो उसने क्या किया, अपने विदाई के लिए उसे गिफ्ट दिया। और गिफ्ट में क्या दिया, हिज मास्टर गेव हिम अ लंप ऑफ गोल्ड, उसने क्या दिया, एक गोल्ड दिया, गोल्ड यानी सोने का जो लंप होता है उसको दिया। ड्यूरिंग हिज जर्नी यानी उनके यात्रा के दौरान, जॉन मेट अ हॉर्समैन, जॉन मिला किससे, एक हॉर्समैन से। सीइंग द मैन राइड मेरली, और उसने देख रहा था कि जो आदमी है वो क्या कर रहा है, बहुत ही प्रसन्नचित अवस्था में घोड़े पर सवारी कर रहा है। जॉन एक्सचेंज हिज गोल्ड फॉर द हॉर्स, जॉन ने एक्सचेंज मैंने बदल दिया अपने सोने से उस घोड़े को, एंट्रोटेड अवे, और वो अभी आगे चला। हाउ एवर, यहाँ तक कि जॉन पुश द हॉर्स टू रन फास्टर, जब जॉन ने पुश किया धकेला हॉर्स को तेज दौड़ने के लिए, ही वाज थ्रोन अप, उसने क्या किया, जॉन को नीचे फेंक दिया। देन जॉन सा अ कंट्री मैन विद अ काउ, तब जॉन ने देखा एक गांव वाले आदमी को जिसके पास क्या थी, एक गाय थी। जॉन ट्रेडेड हिज हॉर्स फॉर द काउ, और जॉन ने व्यापार के लिए अपने घोड़े को गाय से ले लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जॉन स्टॉप एट अ मूर टू मिल्क द काउ, जॉन ने क्या किया, जॉन स्टॉप में रुक गया एट द मूर ऑफ मिल्क द काउ, यानी जो गाय थी जो दूध ज्यादा दूध दे रही थी, अब उसकी गाय दूध भी देना बंद कर दी। ए बचर पासिंग बाय टोल्ड जॉन दैट हिज काउ वाज टू ओल्ड बी मिल्कड, यानी एक कसाई वहां से गुजरा, तब जॉन ने उसे पूछा कि हिज काउ वाज टू ओल्ड, कि उसकी गाय बहुत ही बूढ़ी हो गई है, बी मिल्कड, और बिना मिल्क। जॉन टुक द बचर्स गोट एंड एक्सचेंज फॉर हिज काउ, जॉन ने क्या किया, उस कसाई के बकरी था, उस बकरी को अपने गाय से बदल दे दिया। नेक्स्ट डे जॉन मेट अ मैशन, दूसरे दिन जॉन मिलता है एक राजमिस्त्री से, एंड एक्सचेंज हिज गोट, और अपनी बकरी को एक्सचेंज बदल देता है विद द मैसन्स ग्रैंड स्टोन, यानी जो मिट्टी का बना हुआ औजार होता है मैशन का, उससे बदल देता है। द हैवी स्टोन सून टायर्ड जॉन, काफी भारी पत्थर था, जल्द ही जो जॉन था वो क्या हो गया, थक गया। ही वेंट टू वेल टू ड्रिंक वाटर, वो गया एक कुएं के पास पीने के लिए पानी। एंड ड्रॉप द स्टोन्स, और ड्रॉप माने डाल दिया स्टोन माने पत्थर, इनसाइड बाय मिस्टेक यानी उसकी गलती से।
जो वो पत्थर था वो कुएं में क्या हो गया, गिर गया। जॉन रैन होम, जॉन घर वापस आया एम्प्टी हैंडेड बट स्टिल हैप्पी। यानी अपने उसके हाथों में कुछ नहीं था लेकिन वो क्या था, प्रसन्न था, और खाली हाथ वो अपने घर वापस प्रसन्नतापूर्वक आया। तो ये आपकी फर्स्ट चैप्टर रहा और इसका एक्सरसाइज है जिसको आप अच्छे प्रकार से देखेंगे और याद करेंगे। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।